सिंचाई विभाग ने जनपद अम्बेडकर नगर के कटहरी ब्लॉक के लोहरा ब्राह्मणपुर पंचायत में खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप लगवाया है, लेकिन 10 सालों से ये नलकूप खराब होने के कारण 10 गांव के 500 परिवारों के 3000 लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार उन किसानों का कर्जा माफ कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं स्थानीय नलकूप विभाग उन किसानों को पुनः कर्जदार बनाने का खाका भी तैयार कर रही है। तो आज तक चालू ना भी चलती रही, लेकिन बंद रही, साल भी चली हुई, साल डेढ़ साल। तो ट्यूबवेल ना चले से का दिक्कत होत है? अब पूरी फसल नष्ट हो जाए, कोई साधन ना आएगा, और सबसे बड़ी परेशानी साण वाली बा, जकरे खेत में हला थे 8-10 से पूरा बीघा बीघा साफ कर देते, सबसे बड़ी परेशानी बा। तो आप एका ट्यूबवेल बनाए के खाते इनके हुस अपन बात रखा जैस कही गए, अब भाई कहियो कहियो अधिकारी गए कही गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना भग बने कि न बने। तो जब बन जाए तो क्या फायदा हुए आपके? आप ये फायदा हुए कि जैसे गेहूँ हुए, धान हुए, हमारे सब बाल बच्चे खाई हैं, जी हैं, जो मजूरी करके खात है तो उन थोड़ ढेर अपने खेती में हुए, अपन खाई जाए। अब वो उसको हम लोग उसका दुरुस्तीकरण चाहते हैं कि जिससे गरीब उस पर कोई लाभ उठा सके। अब ये एक रबी की फसल की अब जोताई और बुवाई शुरू हो रही है, उनके जोताई बुवाई तक का तो वहाँ वो नलकूप बन जाता तो शायद बेचारे कुछ लाभ मिलता उन लोगों को। कितने लोगों के लिए फ़ायदा होगा वो? कम से कम है 70-80 आदमी के करीब हैं जिनकी खेती वहाँ पे है, किसी का 10 बीसा, किसी का 1 बीघा, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े खेत वाले वहाँ पे हैं। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है जल्द से जल्द नलकूप ठीक हो ताकि खेतों की सिंचाई हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, सिंचाई विभाग के जेई का संपर्क नंबर 9454-4183 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि समस्या का समाधान हो सके। मैं गायत्री, जनपद अम्बेडकर नगर के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।